थी और अपनी समस्या बता रही थी कि वहां पर जो है लड़के और छोटी उम्र के लड़के लोग माने असामाजिक तत्व तो बैठते हैं, जिसके कारण उनको काफी समस्या हो रही है। इस बात को लेकर महिलाएं आए या थाने आई थी, जिनको आश्वस्त किया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और 100% कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो पेट्रोलिंग निरंतर चल ही रही है, बावजूद उसके उनको शायद कुछ और समस्या है, इस कारण से आई थी। सर, कसडोल नगर में हर वार्डो में ना सिर्फ 7 नंबर हर वार्डो में शराब अवैध रूप से दिख रहा है, चाहे इंग्लिश हो चाहे फिर महुआ शराब हो, इसमें रोकथाम नहीं दिखने मिल रहा है सर। आज देखने की स्थिति आया कि कसडोल में महिलाएं भी प्रवेश कर गई खाने के। वैसे तो कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ और कोचियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस तारतम्य में कार्रवाई हमारी इतनी अच्छी हुई है कि 2 मामलों में सजा भी हुई है। तो हमारा मकसद इसको सिर्फ ना सिर्फ बंद करना है, अपितु जो है दोषियों को सजा भी दिलाना है। तो इस पर हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और पेट्रोलिंग और बढ़ाई जाएगी। दारू बंद करवाने के लिए यहाँ सब महल इकट्ठा हुए हैं, शराब से बहुत परेशान है यहाँ के महिलाएं लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत शराब पी के बिगड़ रहे, स्कूल जाना बंद कर रहे, कोई दाल कोई चावल बेच बेच के पी रहे है वहाँ। वही के हरा पार्क जितने सदस्य जितने जेंट्स लोग है, गाड़ी बखाना जिसे पाते वैसे उनका सीधा गाड़ी बखाना करते हैं उन लोग, और हम लोग बोलने पर हम लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं, गाड़ी गरोज करते हैं। इसीलिए हम सब महिलाएं इकट्ठा होकर हम ये चाहते कि शराब मुक्ति किया जाए, बोलकर आज ये धन ये कदम उठाए। हम लोग 3 दिन से लगातार गली में घूमे हैं, तब भी शराब पीने वाले लोग के कान में कुछ नहीं जा रहे, हम लोग का क्या करेंगे ये करेंगे बोल रहे, लेकिन नहीं मानने पर आज भी हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो असल मिली कार्यवाही करेंगे, सर लोग बोले है अभी कार्यवाही नहीं करेंगे, बोले हम लोग सर तो हम लोग